तो ये देखिए बनना चालू हो गया है हमारा, और तेल गरम होने की वजह से बहुत अच्छा बना है दोस्तों। ये बिल्कुल बन गया, बाकी क्या है ना, बनते बनते ना गोलू जो है ना तुरंत खा लिया, उसको अच्छा लग रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरा न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं जा रही हूँ बूंदी वाले लड्डू बनाने। इससे पहले भी मैंने बूंदी वाले लड्डू बना रखा है, वीडियो भी होगा मेरे यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप लोग। एक क्या हुआ था उस टाइम जब मैं बनाई थी ना, तो मेरे पति जी को पसंद नहीं आया, कह रहे थे कि पसंद नहीं आया, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे, मतलब मेरे को चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन उनको पसंद बहुत आई थी क्योंकि मैंने बहुत कम मीठा बनाया था। तो अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को आज भी दिखाऊंगी। और आज मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी, आज मैं बूंदी जैसे बना के रख दूंगी खाने के लिए, बांध के नहीं बनाऊंगी, जैसे गोल गोल बनाते हैं ना, वैसा नहीं बनाऊंगी। तो मैंने बैटर तैयार करके रख दिया था और इसमें थोड़ी सी कलर डाला है जिससे कलरफुल लगेगा। ये ज़्यादा कलर नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ी सी बस कलर चेंज हो जाए। और ये देखिए बहुत अच्छा परफेक्ट हुआ एकदम। क्या है ना, ये अगर पहले से आधे घंटे या 10-15 मिनट पहले भी आप करते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। और यह साथों साथ भी बना सकते हैं, मैंने उस टाइम हाथों हाथ बनाया था, जैसे ही मैंने घोला जैसे ही मैंने डाल दिया। तेल इसके लिए नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए और नहीं ज़्यादा नॉर्मल, बिल्कुल टेम्परेचर एक आराम होना चाहिए, कि बूंदी गिरते एकदम फूल जाए। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हम घर का ही छन्नी लेंगे, इसी से हो जाएगा। ओह पानी था, सॉरी, इसी से हो जाएगा दोस्तों, वो भी मैंने इसी से बनाया था। तो फिलहाल इसको रखेंगे हम ऐसे ऐसे करके। पहले हम ये वाला, ठीक है, इधर हमने खाना बना रखा है, ये वाला ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। तो ये देखिए बनना चालू हो गया है हमारा, और तेल गरम होने की वजह से बहुत अच्छा बना है। ये हो गया। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बूंदी वाली जलेबी, दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये जो है ये अलग मिठाई बना के खिलाने वाली हूँ आप लोगों को, ये है बूंदी वाली जलेबी। ये बनता है, देखिए ऐसे बनता है ये। तो अभी बन गया है, बूंदी हो गया, सब हो गया है, बट अभी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, थक गई हूँ, बहुत देर से खड़े हुए हुए थक गई हूँ। अभी पति जी खा रहे हैं, इनकी खाने का टाइम है 3 बजे, बताइए, सुबह से नहीं खाए, अभी खाए। गोलू इधर सो रहा है। ओहो दोस्तों, जा रहा है चीनी, ये देखो ये हंडा है हमारा, बड़ा सा हंडा में बनेगा। पिछली बार क्या हुआ था, कढ़ाई में ना दिक्कत आ गई थी। दोस्तों आ गया चीनी, और ये अभी हो रहा है हमारा चीनी का, क्या बोल, चाशनी बन रहा है, चाशनी, मैं जासमीन बोलने वाली थी। हमारे बिहार में बोलते हैं पाग बन रहा है, पाग। तो अब जा रहा है ये बूंदी इसमें। कह रहे थे मेरे पति जी नीचे तेल है, देख रहे हो, छान छान के निकाला है, इसीलिए मैंने ये बड़ा पतीला दिया। ये बन गया है, बिल्कुल तैयार है ये। और इधर दूसरा हम चीनी का चाशनी कर रहे हैं, कि क्या बोलते हैं, पाक करने चालू कर दिया है, क्योंकि अब इसको, इसका बारी है बनाने का, तो ये बनेगा इसमें। अब क्यों जा रहा है, अब जा रहा है इसमें चारों पांचों, कम पड़ेगा सही नहीं है, बड़ा बड़ा है इसमें, बिल्कुल। दोस्तों इसका बनेगा एकदम सूखा मीठा, सूखा जलेबी बनेगा, तड़ी, ओ क्या बोलते, भूल जाती हूँ मैं, तुम बोल दो ना जो भूल जाती हो। देख नहीं बोलूंगी,
तो ये बन गया, बाकी क्या है ना, बनते बनते ना गोलू जो है ना तुरंत खा लिया, उसको अच्छा लग रहा था। और ये है बादाम जो डालेंगे, और इसमें भी डालेंगे, कर लेते हैं। दोस्तों इसका लड्डू भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन हम लड्डू नहीं बनाएंगे, ऐसे ही अच्छा लगता है, हमें ऐसे ही खाएंगे हम। बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। पागल हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, हम ऐसे ही खाने वाले हैं, इसका लड्डू भी आराम से बना सकते हैं आप। बाकी ये दोस्तों मिक्स कर दिया इसमें। ये है बूंदी, बूंदिया गांव में बोलते हैं बूंदिया, इधर ही है का। जबरदस्ती बोला था दोस्तों। खाने के लिए बिल्कुल कंप्लीट है ये। अब इसको स्टोर करके रख सकते हैं हम जितना देर, इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं खाने के लिए। ये तो स्पेशली मेरे पति जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए ये बनाया मैंने। एक गोलू खा लिया, एक मैंने खुद खा लिया। दोस्तों बड़ी खुशी हो रही है कि पति जी को मेरा पसंद था, तो बना के सही में जिसको पसंद हो ना वो चीज़, और स्पेशली बच्चे हो घर में कोई हो, तो बड़ी खुशी होती है बना के दे के खाने में। तो आप लोग भी खा सकते हैं बना के दी हूँ। अगर खाना है तो आना पड़ेगा उसके लिए, आप सभी लोगों को जो भी मेरे वीडियो देखते हैं। गोलू अच्छा बना है, गोलू ने पहले चखा है। दादू ना वो भूजा है, वो वाइट वो येलो वाला, येलो वाला। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह। बाय।